में क्या वो वैट में कमी करेगी, क्या कमीशन दिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से खबर है जय एसओजी मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामला है ये। लंबे समय से फरार चल रहे पेपर लीक के सरगना गिरफ्तार है। सुरेश ढाका के भाई कमलेश ढाका को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कमलेश ढाका से एसओजी मुख्यालय में लगातार पूछताछ जारी है। कमलेश ने परीक्षा से पहले अलवर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था पेपर। जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल से लीक हुआ था ये पेपर। कमलेश की गिरफ्तारी के बाद अब सुरेश ढाका तक पहुंचना आसान हो गया है। तो देखिए, ये 2022 में पेपर लीक हुआ था एसओजी मुख्यालय से, बड़ी खबर है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक का एक मामला है, जिसमें लंबे समय से पेपर लीक का सरगना है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और उसके भाई कमलेश ढाका को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कमलेश ढाका से एसओजी मुख्यालय में पूछताछ लगातार जारी है। अब उससे उगलवाया जा रहा है कि कैसे उसने अपने टीम के साथ मिलकर पेपर लीक करवाया, और ऐसे कितने और लोग इस चीज में शामिल है उन तक पहुंचा जा रहा है। हालांकि जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, उसे पकड़ लिया गया है। उसके बाद में बाकी लोगों को भी पकड़ा जाएगा। विनय पंत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, 2022 में हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ही मामला है, जिसमें लंबे समय से जो जिसने पेपर लीक कराया, सरगना हाथ लग गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाकी उसका भाई भी पकड़ा गया है। बाकी लोगों को पकड़ने के लिए फिलहाल क्या कुछ पुलिस कर रही है, और इतने लंबे समय बाद ही कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है? जी, वाकई देखिए, जो हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 है, इसका पेपर लीक हुआ था, और इसका भी जो पेपर है वो जयपुर के ही दिवाकर पब्लिक स्कूल से लीक हुआ था, जिसके बाद जो इसका सरगना है, इस गैंग का जिसने पेपर लीक किया था, सुरेश ढाका, उसकी तब से ही तलाश की जा रही है। हालांकि अभी सुरेश जो है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन सुरेश के जो भाई है कमलेश ढाका, उसको देर रात एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। और कमलेश ने जो ये पेपर लीक हुआ था, वो पेपर अलवर के एक जो परीक्षा सेंटर है उसके बाहर जो अभ्यर्थी जिनसे की डील हुई थी पैसे लेके, उनको पढ़ाया था। और अब जो कमलेश ढाका है वो फिलहाल एसओजी की गिरफ्त में है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और एसओजी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि कमलेश के गिरफ्तार होने के बाद अब सुरेश तक पहुंचना एसओजी के लिए आसान हो जाएगा, और जल्द ही सुरेश को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, और कह सकते हैं कि अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा है वो लगातार राजस्थान में उठता आया है, और ऐसे में एक एक करके इनके सरगनाओं को पकड़ना अपने आप में एक उपलब्धि हासिल करना है। लेकिन ये गैंग कितनी बड़ी है, ऐसे और कितने लोग हैं उन पर उनको सबको पकड़ना भी एक चैलेंज है बना हुआ सबके लिए। जी वाकई देखिए, जो गैंग है काफी बड़ी गैंग है, और ना केवल एक पेपर लीक करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई पेपर जो है राजस्थान में जो हुए हैं उनको इस गैंग ने मिलकर लीक किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरेश ढाका है वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है पुलिस के लिए, और वो पकड़ में भी नहीं आ रहा, जिसमें कि लाखों रुपए का इनाम भी रखा गया है। और सुरेश ढाका जब पकड़ में आएगा तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और अब जो उसका भाई कमलेश पकड़ा गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, सुरेश के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, साथ ही और कितने पेपर लीक में ये लोग शामिल रहे इसकी जानकारी जो एसओजी है वो जुटा रही है। जी ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, और ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं पेपर लीक के मामले से, जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। और ये 2022 में पेपर लीक हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा, जिसमें लंबे समय से फरार चल रहा था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।